नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बड़ी खबर बताएंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है और अच्छी भी है, क्योंकि तीन आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में गन डाउन कर दिया है। और ये महज तीन जो आतंकी थे, ये कोई मामूली आतंकी नहीं थे, A++ कैटेगरी का आतंकी, यानी कि बेहद खूंखार आतंकी, और लंबे वक्त से जिंदा बचा हुआ था, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की बंदूक की गोलियों में उसका नाम लिखा गया आखिरकार, और वो मारकर ढेर कर दिया गया। तो कौन है वो आतंकी A++ कैटेगरी वाला जिसे मारा गया है, उसके बारे में जानकारी देंगे। IGP जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं विजय कुमार, उन्होंने क्या कहा है इस पर, पूरी घटना पर वो हम आपको बताएंगे। एनकाउंटर कैसे शुरू हुआ, कहां हुआ है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पहलगाम में ये एनकाउंटर हुआ है और लंबे वक्त से चल रहा था। सबसे पहले खबर आई कि तीन आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों ने उन्हें ट्रैप कर लिया है जिस जगह वो छिपे हुए थे। उसके बाद से ही सुबह से ये एनकाउंटर की शुरुआत होती है। पहले एक आतंकी मारा जाता है, फिर दूसरा आतंकी मारा जाता है, फिर तीसरा आतंकी मारा जाता है। और जब जानकारी सामने आती है कि जो तीसरा आतंकी पहलगाम के इस एनकाउंटर में मारा गया है वो A++ कैटेगरी का आतंकी है। और क्या जानकारी है ये भी जरा हम आपको जवाब बता देते हैं। अनंतनाग पुलिस आर्मी मिलकर HM का एक टेररिस्ट पकड़ा था जिसका नाम है शेर गुजरी। पूरा रात उसका ज्वाइंट इंटरोगेशन चला, उसमें से दो तीन लीड मिला था। तीनों जगह हम लोग छापा मारे और उसमें से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में जो एक जगह आज मॉर्निंग में जो श्रीधन टॉप बोलते हैं पहलगाम की हेरिटेज पर है, उसमें तीन टेररिस्ट मारे गए हैं। उसमें अशरफ मौलवी भी है, रफीक उसके साथ है, रोशन जो तांत्रे भी मारा गया है। तीनों हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा टेररिस्ट है। बहुत सारे सिविलियन किलिंग, पुलिस की किलिंग में, सिक्योरिटी फोर्स अटैक में इन्वॉल्वमेंट था इसका। और जैसा हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर अंताग टाउन में एक कपल थे, सरपंच उनकी वाइफ पंच, दोनों के मर्डर हुआ था, उसमें भी इन्वॉल्व थे ये लोग। सर, जैसा कि ये यात्रा का रूट है तो वहाँ पे एनकाउंटर होना कितनी बड़ी सक्सेस है मानते हैं? बिल्कुल, यात्रा शुरू होने से पहले इस एरिया को हम लोग नॉर्मली कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन करते हैं, एरिया को पूरा सैनिटाइज करते हैं और डिप्लॉयमेंट भी होती है। उससे पहले इनकाउंटर हो जाना, इसका हाइड्रेट का पता चल जाना हमारे लिए ठीक है, और आगे ऑपरेशंस करते रहेंगे इस एरिया हम लोग, और यात्रा को पूरी सफल पूर्वक बनाएंगे सेफ्टी के साथ। जैसा सर इन्होंने वहाँ पे हेड आउट बनाया था यात्रा रोड पे, तो क्या यात्रा पे अटैक करने का प्लान था? बिल्कुल, उस एक्सिस पर अगर टेररिस्ट का हेडआउट मिलता है, टेररिस्ट मारा जाता है, तो ये शो करता है कि उसका प्लानिंग था यात्रा पे अटैक करना। तो सर कितनी बड़ी सक्सेस मानते हैं आप इसको? यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, और मेहनत करेंगे, ऑपरेशन लॉन्च करते रहेंगे, इस एरिया को पूरा साफ कर देंगे। तो यात्रा की सुरक्षा को लेकर क्या और इंतजाम किए जाएंगे? बिल्कुल, बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट होगा, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन होगा, टेक्निकल सर्वेलेंस यूज करेंगे हम लोग, ड्रोन से यूज करेंगे, और पूरी थ्री टाइट प्रोटेक्शन देंगे यहाँ पर। तो यात्रा का रूट बिल्कुल सेफ है यात्रियों के लिए? सेफ है, और इसको सेफ बनाने के लिए और हम लोग मेहनत करते रहेंगे। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने आतंकवादियों में से एक अशरफ मौलवी दो दूसरे आतंकवादियों के साथ मारा गया। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मुठभेड़ हमारे लिए एक बड़ी सफलता है, जो उन्होंने जानकारी दी है। IGP का कहना है कि अशरफ मौलवी A++ कैटेगरी का आतंकी था, वो पहलगाम में फंसे हिजबुल के तीन आतंकियों में शामिल था। तीनों हिजबुल के आतंकवादी जो हैं वो मार दिए गए हैं। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने विशेष सूचना के आधार पर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक ऐसे हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया था जो अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर घाटी में काम कर रहा था। हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल वैसे आतंकियों के लिए किया जाता है जिनका कहीं नाम नहीं होता है, लेकिन ये बेहद कट्टरपंथी होते हैं और किसी आतंकी हमले को अंजाम देकर उस पर मदद करके फिर नियमित जीवन में वापस लौट जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो एनकाउंटर हुआ है वो बड़ा एनकाउंटर है, बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि A++ कैटेगरी का आतंकी मारा गया है हिजबुल मुजाहिदीन का। उसे बहुत डैमेज होगा हिजबुल को इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर इस तरह के आतंकवादियों का मारा जाना और भी बड़ी सफलता की बात है, ताकि इस पूरे यात्रा में जो है कोई व्यवधान ना हो। और लगातार सैन्य बलों की तरफ से भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो पूर्णतः सुरक्षित हो और सफलतापूर्वक हो। तो इस एनकाउंटर से जुड़ी जो भी बड़ी जानकारी फिर हमारे सामने आएगी वो हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए भारत तक।